गुड मॉर्निंग टू ऑल, तो स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। आज है संडे का दिन और आज डेट क्या है वैसे, आज है 8 जनवरी, ठीक है, और संडे का दिन है। फिलहाल मैं हूँ अभी ऑफिस में, और ऑफिस में संडे के दिन आज भी माल जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज चल रहा है सेल, 2 दिन चल रहा है मीशो में और फ्लिपकार्ट में सेल चल रहा है। न्यू ईयर का सेल चल रहा है ये, और विंटर सेल भी चल रहा है, दोनों सेल एक साथ है। वो मैं दिखाता हूँ सेल कैसे काम करता है ये, और इस सेल में क्या क्या प्रॉफिट है। वैसे तो ये जब आप वीडियो देखोगे, हाँ 7-8 तारीख, 2 दिन है, 7 और 8 तारीख, और ये आज 8 तारीख है, आज ही ख़त्म हो जाएगा भाई। जब आप देखोगे 9 तारीख को देखोगे वीडियो, लेकिन तब तक ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं ऑफिस में था, और ये कुछ बुक्स है, ये पैक हो चुका है मेरा, और यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं आज के संडे के, वो सारा पैक हो गया, सारा आज जाना है, इसलिए मैंने पहले पैक कर दिया। और कुछ चाय पत्ती के भी ऑर्डर आए थे। अब जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके उनके लिए बता दूं, एक्चुअली मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ प्लेटफॉर्म में, मीशो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट्स मेरे जैसे कि ये बुक्स हो गए, ये नॉवल्स है, ठीक है, नॉवल्स और प्लस बाइक कवर। बाइक कवर में बहुत सारी वैरायटी है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी बना रखी है, आप पिछले वीडियोज़ में चेकआउट कर सकते हो, मेरे बाइक कवर्स की रेटिंग और रिव्यू सब दे रखा है मैंने, और लिंक भी दे रहा हूँ इस वीडियो में, भी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको भी अपने बाइक कवर को, बाइक को या स्कूटी या बुलेट या फिर कार को सेव करना है, तो आप मेरा बाइक कवर यूज़ कर सकते हो, और कम से कम रेट दे रहा हूँ क्योंकि खुद की मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, और जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका रेट बहुत ही जेन्युइन होता है। आप एक बार रेट चेक भी कर सकते हो, और सेल चल रहा है, मैंने और डिस्काउंट दे रखा है उसमें, 20% का ऑफ दे रखा है मैंने अपने सेल, अपने प्रोडक्ट पे 20%, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं दिखा भी देता, अब हाँ एक बार दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं दिखा दूँ 20% का सेल दे रखा है या नहीं दे रखा। चलो ये रहा स्क्रीन। वैसे तो मैंने इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, बट कोई नहीं, अगर आप लिंक से नहीं करना चाहते तो मीशो पे भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है। मेरा जो वेबसाइट का नाम है, जैसे मीशो मैंने ऑन कर रखा है, ठीक है, मीशो का, और उसमें सर्च कर लेना आप गुरुकुल मार्ट। मैंने गुरुकुल मार्ट सर्च करा और ये आ गया। अब ये जितने भी कवर हैं सारे मेरे कवर है, ठीक है। अब अगर चेकआउट कर सकते हो, ये है 194, 90% का ऑफ दे रखा, जो मैंने बोला था वही उतने परसेंट दे रखा, ये 20% का ऑफ दे रखा मैंने, ये मेरे प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैंने जो बोला था वही है। अब एक बार दिखा देता हूँ मैं कि ये किसका है, ठीक है, ये बाइक कवर है, इसमें 20% का ऑफ मिला था, मैंने इस पर क्लिक करा। अब यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो किसका, ये गुरुकुल मार्ट, मतलब ये मेरी है, मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। आप एक बार रेटिंग चेकआउट कर सकते हो, 4.9 रेटिंग है, ठीक है। अब आप रिव्यू चेक करके परचेज कर सकते हो, सब में 5-स्टार रेटिंग है, सब में 5-स्टार है, ठीक है। अब और कुछ बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये चेक कर सकते हो, एक्सलेंट, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिन हुए, और 4.9 रेटिंग चल रही है, और रिव्यू बहुत ही प्यारे प्यारे आ रखे हैं, ठीक है। ये हमने कट कर दिया, और ऑफ़र तो मैंने दिखाई दिया था कि मैं 20% ऑफ दे रहा हूँ, जो मैंने बोला था वही है, ठीक है, ये चेकआउट कर सकते हो, ये रहा 20% ऑफ, ये मेरा ही है। अगर एक ही नहीं है तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, ये रहा माउस का कर्सर, इस पर मैंने क्लिक करा और ये खुल गया, और ये चेक कर सकते हो गुरुकुल मार्ट, ठीक है। मैंने 20% का ऑफ दे रखा है, इससे ज़्यादा और क्या ही ऑफ देगा कोई, सब ने 5% 10% दे रखा, लेकिन मुझसे कोई मुकाबला करने था क्योंकि खुद की मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, मैंने पूरा 20% दे दिया ऑफ, ठीक है। तो हाँ दिखाता हूँ अभी कहाँ कहाँ से ऑर्डर है, और आप भी ऐसे सेल का, हर महीने सेल चलता है ये मीशो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में, एवरी मंथ चलता है सेल। तो अभी तो ये 7-8 तारीख है, जब आप वीडियो देखो तब तो सेल ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ जब आएगा मैं उससे 5 दिन पहले बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो डेली देखा करो, कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा सेल से रिलेटेड, जिसको भी परचेस करना है सेल से रिलेटेड, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी 20% ऑफ चल रहा है, अब यही नहीं, जैसे मुझे अपना सेल इंक्रीज़ करना है तो मैंने 20% ऑफ दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें काफ़ी सेल चल रहा है, और उसमें भी 5% तो मिनिमम है, 5% का ऑफ तो आपको मिल ही जाएगा, और जितना आप दे सकते हो, जैसे मैंने तो 20 दे रखा है, तो 20 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, ये 250 का प्रोडक्ट, 250 में 20% मैंने ऑफ दे रखा, कितना मेरा, कितने का मैं कम दे रहा हूँ प्रोडक्ट, और मुझसे कम कोई दे नहीं सकता फिलहाल। तो हाँ फिलहाल तो अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से ऑर्डर आए हैं, और संडे को ज़्यादा काम नहीं है, पैकेजिंग वाला मेरा काम हो गया, वीडियो एडिटिंग अपलोड करना है मुझे, और प्लस लिस्टिंग वाला काम करना है, आज से शुरू करते थे दोबारा से। तो ये ऑर्डर आए हुए हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ, मैं चाय पत्ती भी सेल करता हूँ 120 रुपये का, लेकिन ये सिर्फ ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए ये ऑर्डर आए हुए थे,
ये 1 किलो का पैकेट है पूरा। अब आप सोच रहे हो मैंने कैसे पैक करा है इसको, इसका भी कुछ जुगाड़ कर रखा है। तो पहली बात तो ये जो पन्नी है ना, ये मीशो की पन्नी है, ये बहुत सारी पन्नी रखी हुई है मेरे पास, ठीक है। तो जो रिटर्न में आते हैं प्रोडक्ट, उनका मैं पन्नी दोबारा यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि ये सारे रिटर्न आए हुए, इसको मैंने रीयूज़ करके ये क्लो कर दिया। और मेरा वेटिंग मशीन तो है ही पहले से, ये ना मेरा वेटिंग मशीन, ठीक है। ये मैंने परचेज़ करा था तो इसमें मैंने कर दिया, जैसे कि ये अभी चेकआउट करते हैं तो 0 है, पूरा 0 है। और इसको रखते हैं हम, ठीक है, 1 kg पूरा, 1 kg 2 ग्राम। तो ऐसी मैं ऑफलाइन सेल करता हूँ। ये वह चाय पत्ती मैंने ऑफलाइन के लिए रख रखा है, बाकी इसमें 3-4 पैकेट है, एक एरा प्लस 2-3 किलो सुबह सेल हो गया था। तो अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो चाय पत्ती बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, अभी घर में बहुत सारा रखा हुआ। तो हाँ दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर देखने में मज़ा आता है कहाँ कहाँ से आया। ये आया है बेंगलुरु साइड से, ओके। तो किसने करा है, आलोक कुमार ने करा है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी, बेक हाउस बेकरी बेंगलुरु। ये किताब के ऑर्डर है, ये सारे बुक्स है, बुक्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं नॉवल्स, ये सारे हैं, ठीक है। और ये ऑर्डर आया है यूपी से, कुशीनगर। अब देखते हैं बाइक कवर, इसका मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ये रहे बाइक कवर मेरे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टॉक लगा के ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, लिंक दे दिया है, चेकआउट कर सकते हो अपने बाइक के अकॉर्डिंग। तो ये दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से ऑर्डर आए हैं। ये आए हैं कर्नाटका से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आता है, ठीक है। श्याम लाल एम ने ऑर्डर करा है कर्नाटका, बहुत अच्छी अच्छी जगह से आते हैं यार ऑर्डर, यही अच्छा लगता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आता है। और ये ऑर्डर आया है ये राजस्थान से, वो कर्नाटका से, ये राजस्थान से, इसको और देख लेते हैं, क्या है महाराष्ट्र से। तो ये चेकआउट होता है ऑल ओवर इंडिया से आता है, अगर आपको भी परचेज़ करना तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट एक बार ज़रूर कर लेना। तो अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, ये सारा काम ख़त्म हो गया, अब बस सिस्टम का काम ख़त्म करता हूँ। तो भाई अभी 3:50 हो चुका है और मैं अभी फ़िलहाल ऑफिस में हूँ, चेक कर सको टाइम 15:50, मतलब 3:50, और अभी तक पैकेट नहीं गया है, ऑलमोस्ट सारा पैकेट जा चुका है, सिर्फ 2 पैकेट है साइड इफेक्ट्स और डिलीवरी का। आज सेल है इसलिए मुझे बैठे रहना पड़ा संडे को भी, वरना मोस्टली तो संडे को बंद ही रहता है। तो साइड इफेक्ट्स वाले से बात हो गई है, वो आने वाला है, और सारे पैकेट जा चुके हैं, एक्सप्रेस भी, ई कॉम, ये चला गया, डिलीवरी रह चुका है और साइड इफेक्ट्स रह चुका है, ठीक है। बस ये चला जाएगा तब जाऊँगा घर, और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया दोपहर का, और 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है बस, और खाना नहीं खाया, भूख लग रही है वैसे। सोच रहा इकट्ठा चला जाऊँगा सारा काम ख़त्म करके, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ बिल्कुल सुन्न हो जा रहा है, कीबोर्ड में बिल्कुल टाइप ही नहीं कर रहा था, ना माउस पकड़ा जा रहा है। तो अभी मैं लिस्टिंग वाला काम कर रहा था, वो डन हो चुका है मेरा, वीडियो भी अपलोड कर दिया है, और पैकिंग तो मैंने सुबह कर ही दिया था, तो सारे काम भी मैंने ख़त्म कर दिए, लेकिन 4 बज गया और भूख लग रही है बस। अभी आने वाला है साइड इफेक्ट्स का, ये पैकेट दे के फिर चलते हैं घर। भाई फाइनली सारा माल जा चुका है, सिर्फ ये डिलीवरी का बज गया है, डिलीवरी का पिकअप हो जाएगा कल, बाकी सारा चला गया, एक्सप्रेस शैडो और ई कॉम चला गया, बस डिलीवरी का बचा है, वो बंदा आया नहीं, और ई कार्ड का भी चला गया, जितने यहाँ पे बुक्स थे ना वो सारा जा चुका है। तो यहाँ पे मेरी चाय पत्ती है, और मैंने निकाल लिया अपना असाइनमेंट, ये BBA का दोबारा 3rd ईयर का, 1st 2nd क्लियर कर लिया, BVRL 10, ठीक है। अब इनके बारे में जल्दी जल्दी वीडियो आने वाली है, असाइनमेंट करना है, फिर वर्कबुक भी करना है, मैंने डाउनलोड कर लिया है फिलहाल, अभी सिस्टम को करते हैं ऑफ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, 4 बज गए पूरे, ठीक है। और मैं वैसे ठंड के लिए इसको कवर करता हूँ, इसको रीयूज़ करता हूँ ऐसे करके, ये हो गया, एक हाथ से तो होगा नहीं, मुश्किल है, चलो हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने इसको कवर कर दिया, अब ओस की बूंदें ऊपर से गिरेंगी तो इसको नमी से ख़राब नहीं करेगी। तो ये कवर हो गया, ये भी प्रिंटर भी कवर हो गया, इसको स्विच करते हैं ऑफ, और असाइनमेंट को रखता हूँ, असाइनमेंट करना है मुझे, डेट तो वैसे बहुत ज़्यादा है, 4 असाइनमेंट है मेरे पास, ये 10, 11, 12, 13, बस में बात ये है 14 नहीं है, 14 का डायरेक्ट 15 है। तो ये है कितने असाइनमेंट हैं,
5 असाइनमेंट है लेकिन आंसर बिल्कुल 10-10 नंबर के, मतलब 5-5 पेज के हैं, 5 नहीं 10-10 10-20 पेज के हैं, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसको रखते हैं और चलते हैं अब घर।